हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो बच्चों आपका अभी पेपर हुआ था तो पेपर नंबर वन, इसमें 20 क्वेश्चन थे। फर्स्ट 10 क्वेश्चन क्या थे बच्चों, वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन टाइप के थे। और लास्ट के 10 क्वेश्चन क्या थे बच्चों, इंटीजर टाइप के थे। तो ये पेपर बेसिकली क्या था कि आप कितना चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। थोड़ा सा ये हमारा पेपर क्या है कि बच्चों लेंथी है, लेकिन क्या है कि ये समझने वाला पेपर है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला गया कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बोला गया है। एंड अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा बोला गया। अल्फा बीटा क्या है बच्चों, इसके रूट्स बोले गए हैं। ऐसा बोला गया कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके द्वारा ये सेटिस्फाई होती है। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकता है ये निकालना है। तो हम लोग इसमें ये सोचें कि बच्चों ऐसा होना चाहिए, इसके अल्फा बीटा भी रूट हो गए तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब ये हमारा क्या होगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये भी हमारे रूट्स होने चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेसिकली इस टाइप का आपने क्वेश्चन ये पढ़ा है कि अगर क्या हो जाए कि बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होती हैं जिनके अल्फा बीटा भी रूट्स होते हैं एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी रूट्स होते हैं। तो फिर उसके लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों कि हमारा इसमें बात करें कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बच्चों कि हम लोग इसमें देखें कि अल्फा इंटू बीटा रूट हो गया तो इनका भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल कर आया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो और अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन के बराबर। तो ये बच्चों दिया गया है कि अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वन के बराबर। इसका सिंपल सा ये मीनिंग हुआ कि इस इक्वेशन में बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस वन बाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस वन बाई अल्फा स्क्वायर। अब इसमें आप इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कैसे करते हैं कि अल्फा प्लस वन बाई अल्फा को क्या मानेंगे, टी के बराबर। ये अगर टी के बराबर मान लिया बच्चों, तो ये क्या लिखा हुआ है, टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टू के बराबर, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा अगर लिख कर आ गया तो ये इधर हो गया बच्चों, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसा निकल कर आ गया। तो यहाँ से बच्चों टी की वैल्यू कितनी मिली, टी की वैल्यू आपकी मिल गई टू के बराबर एंड टी इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसमें क्या करना है बच्चों, अल्फा बीटा कैसे बोले गए हैं कि अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है बच्चों। तो फिर हम लोग इसमें देखें t इज इक्वल टू टू एंड ये, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा अगर क्या हो जाए, ये अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा ही है, तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो सकती है, 2 के बराबर। अगर 2 के बराबर हो गई तो ये 2 के बराबर होने का मतलब है बच्चों ये इधर आ गया, तो यहाँ से ये परफेक्ट स्क्वायर रूट अल्फा माइनस वन अपॉन रूट अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, जीरो के बराबर। मीन्स हमारा अल्फा का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, वन के बराबर। और ये अगर ऐसा हो जाए बच्चों तो फिर क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा कि अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बच्चों माइनस वन। अगर ये ऐसा हो गया तो फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ सिंपल सा बच्चों, इसके रूट्स क्या क्या आ गए, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये रूट्स निकल कर आ गए। इस क्वाड्रेटिक को बच्चों सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, ये वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। अगर ये वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, आपको पूछा क्या गया था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बच्चों, कि अगर अल्फा वन हुआ तो बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा भी वन हो जाएगा। तो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, ये दो एक पॉसिबिलिटी हुई बच्चों। और क्या हो जाएगी, एक ये हो जाएगी कि बच्चों ये एक रूट हुआ अल्फा, अगर क्या हुआ बच्चों ओमेगा, तो अल्फा अगर क्या हुआ, इफ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा देन बीटा क्या होगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। और अगर अल्फा क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर, देन
बीटा इज इक्वल टू ओमेगा। तो अब इसमें बात करें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बच्चों किसके बराबर होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एक माइनस वन पॉसिबल हुआ, एक टू पॉसिबल हो गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में ऐसा दिया गया है कि एक ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल हो गया हमारा 2.3, बी वर्टेक्स है, ये सी है बच्चों 1.3, एंड बच्चों ए क्या है, ए अल्फा बीटा है इसका एरिया, और ए कहाँ पर लाई करता है बच्चों y इज इक्वल टू 2x+3 में। मीन्स हमारा ये पॉइंट ए क्या हो गया बच्चों, अल्फा कॉमा 2α+3 ऐसा हो गया। अब इसमें बोला गया है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डेल्टा क्या है बच्चों, एरिया है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एरिया ये इज इक्वल टू क्या दिया गया है बच्चों, 5 के बराबर ऐसा दिया गया है। और आपको क्या करना है बच्चों कि हमारा कोऑर्डिनेट निकालना है कि अल्फा भी क्या है आपका इंटीजर दिया गया है, अल्फा बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, इंटीजर है। तो आपको ये निकालना है कि अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा कोऑर्डिनेट्स इसमें निकालना है। तो इसके लिए आप क्या सोचेंगे बच्चों कि ये अगर ऐसा दिया गया है, मीन्स एरिया, एरिया कहाँ से कहाँ के बीच में होगा बच्चों, 5 से बड़ा होगा एंड क्या होगा, 6 से छोटा होगा। इस इक्वेशन को आपको यूज करना होगा। तो इसके लिए बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला बच्चों हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट, और उसका क्या लेना होगा बच्चों, मॉडुलस भी लेना होगा। क्यों मॉडुलस लेना होगा, क्योंकि बच्चों ये एरिया है आपका, तो ये ऐसा ये ऐसा, तो बच्चों ये क्या बनेगा, इसमें हम लोग रखेंगे पॉइंट्स, ये 1, 1, 1, ये पॉइंट रख दें बच्चों 2, 3, ये क्या रख दिया जाए 1, 3, और ये क्या रख दिया जाए यहाँ पर अल्फा 2α+3, ये रख दिया जाए बच्चों। तो ये क्या बनकर आएगा, ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये बच्चों बनकर आ जाएगी कि 10 से किसके बीच में होना चाहिए, 12 के बीच में होना चाहिए, और इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 − ये होगा, तो मतलब −2α ऐसा, −3 × क्या होगा बच्चों 1 − α ऐसा, प्लस 1 × क्या होगा बच्चों, 1 × रहेगा आपका 2α+3 −2α+3 − 3α मीन्स हमारा हुआ 3 − α ऐसा आ गया। तो बेसिकली बच्चों इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या होगा, ये बन गया बच्चों −4α, ये −3 + 3α + −α, तो ये बच्चों क्या बनकर आ गया, 3, 3 कैंसिल हो गया, ये कितना बनेगा, मॉडुलस ऑफ हमारा 2α, ये 2α बचेगा, ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये ऐसा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा लाइज बिटवीन 5 to 6 ऐसा आ गया बच्चों। तो ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक तो अल्फ़ा इंटीजर था बच्चों, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, और अल्फ़ा इज इक्वल टू बच्चों क्या हो सकता है, अल्फ़ा का वैल्यू आपका हो सकता है −5। अगर ये अल्फ़ा की वैल्यू 2 पॉसिबल निकल कर आ गई बच्चों, तो 2α+3 क्या है, बीटा के बराबर है, तो वो आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके निकल कर आ जाएंगे। तो इसमें बच्चों ऑप्शन कौन सा सही है, ए एंड डी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपका एक बच्चों डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट इस तरीके से है कि ये सारे के सारे उसकी एंट्रीज एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर है। मतलब जैसे अगर बात करें तो ये दिए गए हैं a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 ऐसा दिया गया है बच्चों, और इनके बारे में बोला गया है कि ये सबके सब क्या हैं, a1 a2 से लगाकर बच्चों a9, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर है। मींस इस फॉर्म के कुछ हो सकते हैं नंबर, तो इसमें आपको ये बताना है ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो बच्चों किसका मल्टीपल होगा। तो ये डेल्टा इसको मान लें, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं आप, ये हमारा 2k1+1 का होल स्क्वायर
टू के टू प्लस वन का होल स्क्वायर, टू के टू के थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, ये नंबर्स आप ऐसे मान सकते हैं। टू के फोर प्लस वन का होल स्क्वायर, टू के फाइव प्लस वन का होल स्क्वायर, टू के सिक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, टू के सेवन प्लस वन का होल स्क्वायर, टू के एट प्लस वन का होल स्क्वायर, टू के नाइन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपको ऐसे नंबर्स आपने ऑड नंबर का स्क्वायर मान दिया। अब बच्चों अगर आप क्या करें कि इसमें प्रॉपर्टी लगा दें, प्रॉपर्टी लगाएं मतलब ये इसमें माइनस कर दें, अगर ये माइनस करें तो बच्चों उस टर्म को आपको ऑब्जर्व करना है, मीन्स आप कॉलम वन इज रिप्लेस्ड बाई कॉलम वन माइनस कॉलम थ्री एंड कॉलम टू इज रिप्लेस्ड बाई कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, अगर ऐसा आप कर दें तो फिर क्या होगा बच्चों, वो जो हमारे टर्म्स आएंगे वो कैसे होंगे उनको आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कैसे कि बच्चों अगर ये बोला जाए ये माइनस ये, तो उसका क्या मीनिंग हुआ, टू के टू वन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू के थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये बन गया बच्चों टू के वन माइनस टू के थ्री इनटू, ये क्या बनेगा बच्चों टू के वन प्लस टू के थ्री प्लस टू, मतलब आ गया बच्चों फोर टाइम्स के वन माइनस के थ्री, के वन एंड के थ्री आर इंटीजर्स बच्चों, तो ये के वन के थ्री प्लस के थ्री प्लस वन। अब बच्चों आप ये ऑड एंड इवन नंबर का खेल हो जाएगा, तो जैसे इसमें बात करें कि अगर ये ऑड हुआ तो ये इवन होगा, ये अगर इवन हुआ तो ये ऑड होगा, वो बच्चों आप कैसे कर सकते हैं कि अगर के वन के थ्री दोनों के दोनों ऑड नंबर हो गए तो ये इनका डिफरेंस बच्चों इवन नंबर हो जाएगा और ये ऑड नंबर हो जाएगा, अगर ये ऑड ये इवन हुआ तो इनका डिफरेंस बच्चों ऑड नंबर होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा कि के वन प्लस वन हमारा इवन नंबर, ये इवन नंबर, मतलब क्या हुआ बच्चों ये बेसिकली हमारा ये भी 2 का मल्टीपल है, मतलब ये 8 के फॉर्म का बन जाएगा। तो हो क्या रहा होगा बच्चों कि आपने जब ये किया होगा तो ये भी 8 के 1 और 8 के फॉर्म का होगा, 8 का मल्टीपल आप सोच सकते हैं ऐसा, ये भी बच्चों 8 का मल्टीपल होगा, इनको नाम दे दिया जाए n1 n2 n3 इस टाइप का, तो ये भी होगा और ये भी बच्चों 8 का मल्टीपल होगा, ये भी 8 का मल्टीपल होगा, ये भी 8 का मल्टीपल होगा, तो आप तुरंत क्या बोल सकते हैं कि हमारा ऐसा प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये इस टाइप के फैक्टर्स बन रहे होंगे, तो 8 यहाँ से कॉमन आ गया, 8 यहाँ से कॉमन आ गया, तो बच्चों आप बोल सकते हैं कि ये क्या होगा 64 का क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा। तो बच्चों अगर डेल्टा 64 का मल्टीपल है तो 32 का भी होगा, 16 का भी होगा, 8 का भी होगा, 4 का होगा, तो इसमें कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स है बच्चों 3x3, वो दिया गया है 100 एंड 210 एंड बच्चों 321 ऐसा दिया गया है, और ये बोला गया है कि बच्चों ए यू वन इज इक्वल टू, ऐसा एक रिलेशन दिया गया है कि हमारा 100 और दूसरा है ए यू टू इज इक्वल टू हमारा कॉलम मैट्रिक्स 230 एंड बच्चों ए यू थ्री इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ये दिया गया है 231 ऐसा दिया गया। तो ये बच्चों इस टाइप के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं हमारा जेई एडवांस में, तो इसको आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके ही ये हमारे कॉलम मैट्रिक्स निकालने होंगे। ये हमारे कॉलम मैट्रिक्स हैं U1, U2, U3 क्या हैं बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स आपको दिया गया है। इसका मतलब बच्चों इसको क्या आप मान लें, ए एक पहले लिखें, इसको ए बी सी इस तरीके से एंट्रीज मान लिया जाए, तो 100 210 321 ऐसा मान लिया जाए बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करें, तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करके
ये हमारी ए बी सी की वैल्यूज ही निकाली जा सकते हैं। तो रो बाई कॉलम मीन्स ये ए आ गया, फिर रो बाई कॉलम मतलब क्या हुआ 2a प्लस बी, फिर क्या हुआ बच्चों रो बाई कॉलम इसका मतलब हुआ बच्चों 3a प्लस 2b प्लस सी। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ बच्चों कि हमारा क्या होगा a का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से कंपेरिजन करने पर a इज इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, मीन्स a का वैल्यू 1 रख दें तो बच्चों b कितना आया माइनस 2 आ गया, एंड ऐसे ही हमारा 3a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया 3 माइनस 4 प्लस सी इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी a b c ये कॉलम मैट्रिक्स बच्चों u1 निकल कर आ गया है। u1 क्या है आपका 1 माइनस 2 एंड बच्चों 1। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं बच्चों U2 निकाल सकते हैं, U3 निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या कमेंट करना है आपको कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ U क्या होगा। अब U1 U2 U3 अगर आपने निकाल लिया बच्चों तो फिर क्या है U ऐसा आपको दिया गया है कि अगर बच्चों यू मैट्रिक्स आप माने तो यू मैट्रिक्स ऐसा कुछ बन जाएगा। इस कॉलम के अलोंग क्या रखना है बच्चों U1 रखना है, U1 भी कॉलम मैट्रिक्स था मतलब 1 माइनस 2 1 ऐसा रखना है। ऐसे ही बच्चों U2 इधर से आएगा तो इधर रख देंगे, U3 इधर रख दिया जाएगा। तो फिर अब बच्चों जब आपको U ही निकल गया तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं, इसके हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U क्या होगा, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U इनवर्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको कैलकुलेशन करना होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लेकिन कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव आपका पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ा था उस पे बेस्ड है। ऐसा बोला गया है कि पी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों एंड रियल नंबर्स हैं, और बोला गया है कि एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स बच्चों क्या बोले गए हैं x1 x2 x3 ऐसा बोला गया है, और आपको पी क्यू नॉन जीरो दिए गए हैं रियल नंबर्स हैं बच्चों। तो x1 इंटू x2 इंटू x3 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस क्यू बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके बराबर है 0 के बराबर बच्चों, दो दो का प्रोडक्ट x1 x2 किसके बराबर है माइनस प्लस मतलब p के बराबर है, ऐसा ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रहा है। अब बात करते हैं बच्चों ऐसा दिया गया कि x3 जो रूट है वो इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 इसके बराबर है। तो बच्चों आपको फिर क्या करना है कि ये हमारा P के टर्म्स में रिलेशन निकालना है, Q के टर्म्स में रिलेशन निकालना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो ये क्या आया बच्चों X1 प्लस X2 अपॉन X1 X2 इज इक्वल टू X3, तो ये इधर आ गया बच्चों, तो X1 X2 X3 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर माइनस X3 ऐसा बन जाएगा, क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 था, ये ऐसा बन गया। तो बच्चों x1 x2 इज इक्वल टू क्या आया माइनस 1, अगर ये माइनस 1 है x1 इंटू x2 इंटू x3 ये था, तो बच्चों इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि x3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q के बराबर। अगर x3 क्यू आ गया है तो बच्चों इस पॉलिनोमियल का हमारा क्या होगा क्यू एक रूट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और फिर अगर बात करें पी के टर्म्स में, तो पी के टर्म्स में कैसे डिसाइड करेंगे कि पी का साइन बच्चों कैसा है क्यू का साइन कैसा है, तो आप ऐसे सोचेंगे पी क्यू रियल नंबर्स हैं, क्यू एक रूट हो गया, तो ये क्या रहेगा बच्चों क्यू क्यूब प्लस पी क्यू प्लस हमारा क्या होगा बच्चों q इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। q को बाहर ले लें नॉन जीरो था ही ये, तो q स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है बच्चों कि हमारा p एंड q रियल नंबर्स थे, और ये बच्चों q क्या एक रूट आ गया है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। q स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव नंबर है 1 या 1 से बड़ा, तो p का साइन क्या हो गया बच्चों p लेस देन 0 हो गया। q के साइन के बारे में हम लोग कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो ये हमारे कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, a एंड c ऑप्शन आपके हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका 6 बच्चों ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन ज़्यादा है, इसमें हमारा
ऐसा बोला गया है कि px एक पॉलिनोमियल है। बच्चों पॉलिनोमियल तो आपको मालूम ही है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसमें ऐसा दिया गया है कि px इज ए पॉलिनोमियल, px इज ए पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशेंट्स, रियल कोफिशेंट्स हैं, एंड ऐसा दिया गया है कि px स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x की पावर 17 माइनस 4 x की पावर 15 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ऐसा दिया गया है। अब ये अगर ऐसा दिया गया है तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग हुआ बच्चों कि अगर आप पी एक्स पॉलिनोमियल मानते हैं n डिग्री का, तो उसको ऐसे ही लिखा जाता, एन ऐसे लिखते। और बच्चों इसमें अगर आप क्या करते पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 निकालते तो ये क्या होता बच्चों, ये हमारा बनता ए नॉट एक्स की पावर, ए नॉट क्या होता बच्चों, इसकी जगह रखा जाता ए नॉट एक्स की पावर 2n, ऐसा कुछ बनता। मीन्स हमारा ऑर्डर ऑफ हमारा यह डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी इवन। इवन क्यों होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपने क्या किया है कि p ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो बच्चों क्या टर्म्स निकल कर आएंगे, x की जगह पर आपने x स्क्वायर प्लस 2 रखा है तो जो x के एक्सपोनेंट आएंगे बच्चों वो हमेशा ही इवन नंबर आएंगे। जबकि यहां पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है दैट मीन्स हमारा कोई भी, दैट मीन्स देयर विल बी नो सच, there will be no such polynomial px, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा कोई भी पॉलिनोमियल px ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए px square plus 2 हमारा odd order का निकल कर आ जाए। तो बच्चों इसमें चारों के चारों options क्या होंगे, चारों के चारों options आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों ये बात आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसीडर द फॉलोइंग हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसमें ये बोला गया है बच्चों, जो आप ये करते हैं डिटर्मिनेंट में बच्चों, क्रैमर्स रूल जानते हैं, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जानते हैं, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अगर बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में इक्वेशन पहले आपको लिख दी जाए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, आर माइनस पी एंड बच्चों पी माइनस क्यू, ऐसा दिया गया है। ये है आपका बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड, और ये क्या है बच्चों सी एक्स प्लस ए वाई प्लस हमारा बी जेड। बच्चों इसका डेल्टा अगर आप देखें कोफिशियंट मैट्रिक्स, तो वो क्या है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, मतलब इसको बच्चों ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी सर्कुलेंट नाम दिया जाता है। और इसका वैल्यू बच्चों क्या होता है, माइनस टाइम ए प्लस बी प्लस सी इंटू बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका वैल्यू बच्चों इसके बराबर होता है। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन दिया गया है कि कंसिस्टेंट इफ पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, अगर पी क्यू आर बच्चों इक्वल हो गए तो ये जीरो बन जाएगा, मीन्स इक्वेशंस विल बिकम होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन का बच्चों हमारा कंसिस्टेंट तो हमेशा होती ही है, जीरो 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 आपको हमेशा सेटिस्फाई करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट इफ पी क्यू आर आर डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट है बच्चों तो ये सब के सब राइट साइड में जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो गए। अब इसमें बच्चों अगर बात करें ए बी सी आर इक्वल, अगर इक्वल हो गए बच्चों तो फिर क्या होगा कि इक्वल हो गए तो सबसे ए बाहर आ जाएगा, तो ये बच्चों इक्वेशन कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट ही हो जाएंगी। क्यों इनकंसिस्टेंट हो गई बच्चों, ऐसे आप सोचें, इनकंसिस्टेंट ऐसे हो जाएंगी कि हमारा ऐसा आ गया बाहर
ए टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बच्चों थ्री डिफरेंट नंबर्स, ये क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ये क्या होंगे, तीनों के तीनों डिफरेंट नंबर होंगे, तो ऐसा कोई भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ये वैल्यू इसके बराबर भी हो जाए, इसके बराबर भी हो जाए। अब कंसिस्टेंट इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट एंड ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बच्चों अब इसको देखा जाए, यही अगर डेल्टा क्या हो जाए, डेल्टा नॉन जीरो हो जाए, तो आपका कैसा सॉल्यूशन होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, बच्चों हमारा यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो फिर आप ये डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो कब हो जाएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बच्चों क्या हो, नॉन जीरो हो जाए, एंड ये जीरो कब होता था बच्चों, जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता था। तो बच्चों इसमें ऐसा दिया गया कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, अगर डिस्टिंक्ट हो गए तो ये बच्चों डेल्टा नॉन जीरो बन गया, मतलब आपकी क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाएंगी। अब अगर ऐसा बोला गया कि इनफाइनाइट, डी ऑप्शन है आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ ए बी सी आर सेम एंड पी क्यू आर आर डिफरेंट, तो बच्चों नो सॉल्यूशन है इसका, यही हम लोगों ने ऑप्शन अभी कर लिया था, ये वाला सिचुएशन हो गया कि ये डिफरेंट है ये सेम है, तो बच्चों क्या होगा, नो सॉल्यूशन आपका आएगा। अब बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल पार्ट पे और ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बच्चों इक्वेशन आप कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8, ये है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 टाइम बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा दिया गया है। तो इसका सिंपल सा क्या मीनिंग हुआ, एक्स को आप क्या रख सकते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये क्या बनकर आ गया, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा बन गया। तो ये फाइनली बनकर आया 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब 5 नीचे कर दिया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में, तो ये हमारा 0 से 1 के बीच में करें, ये इसके बराबर है, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो इंटीजर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 और 1, बच्चों 2 क्यों नहीं हो सकते, अगर 2 हो गए तो ये 6/5 1 से बड़ा हो गया, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बच्चों कितना आया, 0, दैट मींस हमारा एक्स इज इक्वल टू 0। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 3/5 के बराबर, दैट मींस हमारा एक्स इज इक्वल टू बच्चों 8/5। तो इसके दो सॉल्यूशंस हो गए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू बच्चों 8/5। तो आप इसको क्या कर सकते हैं आसानी से, अब कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में क्या है बच्चों, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि बच्चों कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं ये आपको निकालना है। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन देखें, तो ये बोला गया है बच्चों कि कॉस स्क्वेयर, ए ऑप्शन का अगर बात करें तो कॉस स्क्वेयर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 140 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 100 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर आपको प्रूव करना है, क्या ये 3/2 के बराबर आता है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो फिर बच्चों इनको सबको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इधर लेकर आ जाएं, 2 इधर लेकर आ जाएं, तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 2 कॉस स्क्वेयर 20 डिग्री प्लस 2 हमारा कॉस स्क्वेयर 140 डिग्री प्लस हमारा 2 टाइम्स हमारा कॉस स्क्वायर 100 डिग्री, ऐसा बन गया। मतलब ये वैल्यू आपको देखना है कि किसके बराबर होगी, तो ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस कॉस 40 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड को ही आप चेक कर रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस 40 डिग्री, 1 प्लस हमारा कॉस हमारा 280 डिग्री प्लस हमारा क्या आया 1 प्लस कॉस ऑफ 200 डिग्री, ऐसा बन गया। ऐसा अगर बच्चों बन गया है तो फिर आप इस 1 1 1, ये क्या बन गया 3 बन गया, ये हमारा कॉस 40 डिग्री, ये बच्चों किसके बराबर होगा 180 है, तो 180 प्लस 100 डिग्री अगर करें तो हमारा क्या होगा माइनस कॉस 100 डिग्री,
ऐसा, ये क्या होगा बच्चों, ये आपका बन गया माइनस कॉस 20 डिग्री, ऐसा बन चुका है। तो आप इसको क्या करें बच्चों, कॉस 40 डिग्री ऐसा, और इसको कंबाइन करें तो ये आएगा माइनस, कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए प्लस बी बाई 2 मतलब कॉस 50 डिग्री 60, ए प्लस बी बाई 2 ऐसा, एंड कॉस ऑफ ये क्या होगा बच्चों, ए माइनस बी बाई 2 मतलब कॉस 40 डिग्री ऐसा आ गया। तो बच्चों इसका वैल्यू कॉस 60 1 बाई 2, तो ये क्या हो गया बच्चों, 0 के बराबर। दैट मीन्स क्या हुआ, ये क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा कि हमारा 3 प्लस 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड बच्चों 3 के बराबर आ गई, राइट हैंड साइड भी 3 के बराबर होना था। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब बी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है इसको कि 6 टाइम साइन ऑफ हमारा 25 डिग्री इंटू हमारा साइन ऑफ 65 डिग्री इंटू हमारा टेन 40 डिग्री है। तो बच्चों उसको साइन 40 डिग्री अपॉन हमारा क्या लिखा जा सकता है, कॉस 40 डिग्री, और ये क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ये लिखा जा सकता है कॉस 50 डिग्री, ये हमारा क्या था बच्चों, नीचे था। तो इसकी वैल्यू बेसिकली आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों कि हमारा कॉस 50 डिग्री और साइन 40 डिग्री ये कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि हमारा 6 टाइम साइन 25 डिग्री इनटू ये बच्चों साइन ऑफ 65 डिग्री है अपॉन कॉस 40 डिग्री ऐसा। तो बच्चों ये 25 डिग्री है तो आप क्या करें, साइन कॉस ऑफ 25 डिग्री से अगर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर बच्चों आप इस साइन 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 25 डिग्री। अगर ऐसा लिख दिया तो ऊपर क्या बन गया बच्चों, 3 टाइम्स हमारा साइन 50 डिग्री के बराबर। तो बच्चों ये नीचे कॉस 40 डिग्री, ये कैंसिल हो गया मतलब 3 के बराबर। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा ऑप्शन इसका। तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि टेन ऑफ हमारा 20 डिग्री इंटू टेन ऑफ हमारा 40 डिग्री इंटू टेन ऑफ हमारा 80 डिग्री इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर प्रूव करना है कि रूट 3 के बराबर है। तो ये कैसे प्रूव किया जाएगा, आप एक आइडेंटिटी जानते हैं बच्चों कि टेन थीटा इंटू टेन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू टेन ऑफ 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू बच्चों टेन 3 थीटा के बराबर होता है। तो थीटा यहाँ पर 20 डिग्री हो गया मतलब टेन या 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री रूट 3 मतलब ये भी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, सही है, करेक्ट है। अब डी ऑप्शन का अगर बात करें तो डी ऑप्शन में क्या दिया गया है बच्चों कि इफ ए बी सी ट्रायंगल है हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस हमारा क्या है बच्चों साइन ए साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1, तो आपको क्या प्रूव करना है बच्चों कि देन साइन सी इज इक्वल टू 1 है या नहीं है। तो फिर अगर यहाँ से देखें बच्चों तो ये आपका आ गया साइन सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए कॉस बी अपॉन ये क्या हो गया बच्चों साइन ए साइन बी, और ये क्या है कि बच्चों साइन ए साइन बी पॉजिटिव नंबर ही होंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या था ट्रायंगल एबीसी था। तो बच्चों हमारा साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180 पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो ये साइन सी क्या होगा बच्चों लेस देन और इक्वल टू 1, तो इसको इधर लेकर आ गए तो ये 1 माइनस कॉस ए कॉस बी लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी ऐसा बन गया। तो ये इधर आ गया बच्चों, तो ये क्या बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 आ गया है बच्चों ये हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 के बराबर ही होगा, मीन्स ए इज इक्वल टू बच्चों बी हो जाएगा। अगर ए इज इक्वल टू बी यहाँ पर रख दिया जाए तो ए इज इक्वल टू बी रख देंगे तो ये बच्चों क्या बन गया साइन सी का वैल्यू क्या आ रहा होगा 1 के बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन भी आपका क्या है बच्चों, करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10।
10 में क्या दिया गया है बच्चों कि इफ लेट पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन, आपको ऐसा दिया गया है कि बच्चों ये दो पॉइंट है -3, 0, 3, 0 ऐसा, ये दो पॉइंट का नाम है बच्चों, इसका ए है इसका बी है और एक लाइन है बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5, ये लाइन है आपकी। तो आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि ये लाइन कहाँ से पास करती है, हमेशा बच्चों 0.5 से पास करती है, 0.5 से पास करती है। तो ऐसा बोला गया है कि हमारा आर दैट सच दैट एंगल ए पी बी, मतलब लेट पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5 एंड ए -3.0 एंड बी 3.0 आर टू पॉइंट सच दैट, ये हमारे दो पॉइंट सच दैट एंगल ए पी बी, ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, देन विच कैन नॉट बी द स्लोप ऑफ एम। इसका मतलब ये बोला जा रहा है बच्चों कि दो पॉइंट हैं ऐसे आपके लिए गए हैं, दो पॉइंट मान लें, ये दो पॉइंट किस में है बच्चों, इस लाइन में, तो इस लाइन को ऐसा बोल दिया जाए, ऐसा इस लाइन में बच्चों पी एंड क्यू दो पॉइंट ले लिए गए, तो मान लेते हैं कि ऐसे दो पॉइंट हो गए। तो ये बोला गया कि बच्चों ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ऐसा बोला गया कि ये 90 डिग्री होना चाहिए। पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5, तो ये बोला गया है बच्चों कि ये m का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो बच्चों क्या कर सकते हैं आप, डायमीटर मान के इसको सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो डायमीटर मान के सर्कल बनना चाहिए, तो वो सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करना चाहिए बच्चों, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे, तो फिर क्या होगा बच्चों कि आपकी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा तो वही हमारी क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि आपने क्या किया, आपने ऐसा किया कि ये बच्चों डायमीटर ए बी को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया और ये लाइन बच्चों ऐसा हो गया, ये पॉइंट एक्चुअल में अगर डायमीटर माना जाए ए बी को तो 0.3 होगा, तो बच्चों 0.5 तो ऊपर कहीं पॉइंट होगा, तो ऐसा भी तो लाइन जा सकता है ना। तो ऐसा लाइन अगर लिया गया तो फिर क्या होगा बच्चों, ये हमारा कभी भी इसमें कोई भी पॉइंट लिए जाए इस लाइन में ऑफ स्लोप एम सच दैट एम लुक्स लाइक दिस, अगर ये ऐसा लिखता बच्चों ऐसा दिखता है तो इसमें कोई भी दो पॉइंट लें तो आप ये 90 डिग्री हमारा ये यहाँ पर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि ये बच्चों सर्कल का इक्वेशन आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आपका सर्कल हो गया। अब इस सर्कल को और इस लाइन को सॉल्व करें, मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया बच्चों एम एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 10 एम एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या होना चाहिए, इसको ये सर्कल को इंटरसेक्ट भी तो करना चाहिए था दो पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो फिर क्या होगा बच्चों, इसका d क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d कितना आ गया 10 m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 प्लस m का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये बच्चों क्या हो गया, ये यहां से 4 बाहर ले लिया जाए तो ये 25, 4 बाहर लिया तो ये बच्चों 5, तो 25 एम स्क्वायर माइनस 16 एम स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0 आ गया बच्चों, तो ये बन गया हमारा 9 एम स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स हमारा m का जो रेंज आया है जिसके लिए बच्चों इस लाइन में ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो कि क्या होगा कि ए बी पे बच्चों ये एंगल ऐसा होगा कि ए पी बी ए क्यू बी बच्चों 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो ये क्या आएगा बच्चों, m belongs to, यहां से क्या निकल कर आया बच्चों कि हमारा 4/3 to infinity,
यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस फोर बाई थ्री, ये m की वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं जिसके लिए p एंड q एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन पूछा क्या गया था बच्चों कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्लोप ऑफ ये, तो अगर इसमें देखें बच्चों तो माइनस टू, ऑब्वियसली माइनस टू इस रेंज में आ रहा है तो हो सकता है, माइनस वन, माइनस वन नहीं हो सकता है, वन, वन भी बच्चों नहीं हो सकता है, और टू, टू हो सकता है। तो मतलब ऑप्शन कौन कौन से m स्लोप की वैल्यू नहीं हो सकती है, बी एंड सी, मतलब माइनस वन नहीं हो सकती है एंड वन नहीं हो सकती है। तो ये बच्चों कॉन्सेप्चुअल सिंपल सा आपको अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक बच्चों कैसे क्वेश्चन है आपके, इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप है तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये बोला गया है कि हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, वर्टिसेस बच्चों ये एक ट्रायंगल के दिए गए हैं, ए कॉमा ए स्क्वायर, बी कॉमा बी स्क्वायर, सी कॉमा सी स्क्वायर। ये बच्चों एरिया इसका क्या दिया गया है, हाफ के बराबर। तो एरिया होता क्या है, हाफ टाइम्स बच्चों इस डिटर्मिनेंट के, ए ए स्क्वायर वन, बी बी स्क्वायर वन, सी सी स्क्वायर वन, ऐसा होता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब इसकी वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो गई, वन के बराबर। ऐसे ही बात करें बच्चों दूसरा एक ट्रायंगल है, दूसरे ट्रायंगल के बच्चों वर्टेक्स क्या हैं, पी कॉमा पी स्क्वायर, क्यू कॉमा क्यू स्क्वायर एंड बच्चों आर कॉमा आर स्क्वायर। इसका क्या एरिया दिया गया है बच्चों, वन। तो वन इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ टाइम्स ऐसा दिया गया है, पी पी स्क्वायर, क्यू क्यू स्क्वायर, हमारा आर आर स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। अब वैल्यू आपको किसका निकालना है बच्चों, इस डिटर्मिनेंट का, उसको डेल्टा डैश माने इसका निकालना है। तो ये क्या होगा, इसको बच्चों एक्सपेंड करके भी लिख दें, क्या लिखा हुआ है आपका, ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स बेसिकली यहाँ पर लिखा गया है। ये इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं बच्चों लेक्चर में, तो उसी को ही आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इन दोनों डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के टर्म्स में ही उसको क्या किया गया होगा, एक्सप्रेस किया गया होगा। तो ये लिखा क्या है बच्चों, उसको अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा और इसको बड़ा लिख दें, तो ये क्या है बच्चों, वन प्लस टू ए पी प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ऐसा है। फिर क्या है बच्चों, वन प्लस टू टाइम्स बी पी प्लस हमारा बी स्क्वायर पी स्क्वायर। फिर क्या है बच्चों, वन प्लस टू टाइम्स सी पी प्लस हमारा सी स्क्वायर पी स्क्वायर। फिर क्या है बच्चों, वन प्लस टू टाइम्स ए क्यू प्लस हमारा ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर क्या है बच्चों, ये आएगा वन प्लस टू ए आर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा। ये क्या आएगा बच्चों, वन प्लस टू बी क्यू प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये क्या आएगा बच्चों, वन प्लस हमारा टू बी आर प्लस हमारा बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये क्या आएगा बच्चों, वन प्लस टू सी क्यू प्लस सी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऐसा, वन प्लस टू सी आर प्लस हमारा सी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल कराए गए हैं, किसका किसका ये प्रोडक्ट है बच्चों, डेल्टा डैश इज इक्वल टू है। ऐसे आप सोचें कि ये बच्चों वन पी पी स्क्वायर, वन क्यू क्यू स्क्वायर, वन आर आर स्क्वायर, ऐसा लिया जाए तो ये बच्चों क्या आप ले सकते हैं, वन टू ए ए स्क्वायर, वन टू बी बी स्क्वायर, वन टू सी सी स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों। और फिर क्या करें आप, रो बाई रो अगर मल्टीप्लाई करें तो रो बाई रो का मतलब हुआ इसको इससे मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये पहला टर्म आ जाएगा, फिर इसको किसे किया इससे किया तो ये आ जाएगा, इसको इससे किया। आप डिटर्मिनेंट को मालूम है बच्चों, रो बाई रो, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, कॉलम बाई कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या हुआ, टू बाहर आ गया, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू टू टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट बच्चों। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, यहाँ से टू के बराबर थी
और इस डिटर्मिनेंट की बच्चों किसकी किसके बराबर वैल्यू थी, 1AA इसके बराबर 1 के बराबर है, दैट मीन्स आपका क्या आ गया डेल्टा डैश इज इक्वल टू 4 के बराबर, यही आपका क्या है बच्चों आंसर दिया गया है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का ये आसान क्वेश्चन था। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है बच्चों की ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दिया गया है और इसकी इक्वेशन पूछा गया है, मतलब ए मैट्रिक्स है आपका 102 एंड बच्चों 201 112 और आपको बोला क्या गया है बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा a-3a-i का क्यूब माइनस 4a, इसका बच्चों डिटर्मिनेंट का आपको क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आपको मालूम है बच्चों कि आप क्या करेंगे, तुरंत आप a में क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ a वो क्या होता है बच्चों a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ऐसा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये बच्चों 3x3 का मैट्रिक्स है, तो लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन आएगा, वहां से आप क्या करेंगे चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। या तो वो क्या आएगा बच्चों, ये बन गया हमारा a माइनस लेमडा आई, मतलब 1 माइनस लेमडा 0 2 एंड बच्चों ये हमारा क्या बना माइनस लेमडा, ये 2 माइनस लेमडा, ये 1 ये 1 ये हमारा 2 ये 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बना बच्चों 1 माइनस लेमडा इंटू ये माइनस ये, मतलब बच्चों माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या आया प्लस 0 प्लस 2 इंटू क्या आया बच्चों 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। इसका सिंप्लीफाई इसको बच्चों करना होगा, तो माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब प्लस लेमडा प्लस 4 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपकी क्यूबिक मिल गई, तो ये लेमडा क्यूब उधर लेकर आ जाएं तो ये ऐसा, ये बच्चों क्या बन गया माइनस 3 लेमडा स्क्वायर, लेमडा कितना है बच्चों ये माइनस 2 लेमडा, ये लेमडा ये तो बच्चों उधर जाके माइनस लेमडा, और फिर कॉन्स्टेंट क्या है बच्चों माइनस 1 4, मतलब उधर जाके बच्चों माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आ गया बच्चों, तो फिर आप क्या करेंगे इसका यूज करेंगे, जो भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है उसमें यूज करेंगे। तो बच्चों यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 3 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा आप ये आपकी क्या हो गई बच्चों, ये ए हमारा जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसके बारे में आपको थ्योरी अच्छे से मालूम है। अब बात करते हैं बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये लिखा जा सकता है ए क्यूब माइनस आई माइनस 3a प्लस हमारा क्या होगा बच्चों 3a स्क्वायर माइनस 4a, मतलब क्या हुआ बच्चों ये आ गया आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a माइनस i, ऐसा बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, मतलब क्या हुआ बच्चों 3a स्क्वायर b। तो ये क्या होगा बच्चों ये बनेगा आपका, ये यहाँ पर बच्चों प्लस आएगा, ये हमारा क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये बना क्या फाइनली अगर इसको देखें, आपको क्या करना है a माइनस आई का होल क्यूब बच्चों एक्सपेंड करना है। तो वो ये फॉर्मूला आया, तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर हुआ a माइनस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस a माइनस आई, ऐसा आ गया। अगर ये ऐसा आ गया है बच्चों, तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू ही आप तुरंत सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 3i के बराबर, तो ये क्या बन गया बच्चों 3i माइनस आई,
एसआर डिटरमिनेंट, तो ये क्या बन गया बच्चों, 2i। तो 2i का डिटरमिनेंट बच्चों क्या होता है, अगर हम लोग देखें 2i का डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो वो हमारा 3x3 मैट्रिक्स है, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, 8 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इसका डिटरमिनेंट बच्चों निकालना हो 2 2 2 0 0 0 0 0, तो ये क्या होगा बच्चों, 8 के बराबर। तो यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो सिंपल से आपको क्या करना था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का अप्लीकेशन करना था। यहाँ पर एक क्यूब आया था, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए था कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है और फिर इसकी डिग्री को क्या करना है बच्चों, रिड्यूस करके वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका, समझने पे बेस्ड है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, 3 माइनस cos 4 थीटा। एंड बच्चों a माइनस बी किसके बराबर है आपका, 4 sin 2 थीटा, इसके बराबर है। तो आपको ये निकालना है बच्चों, ए बी मैक्स निकालना है, ए बी का मैक्सिमम निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं बच्चों, थीटा का फंक्शन बनाना होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो बच्चों क्या आया, 2a इज इक्वल टू 3 माइनस cos 4 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा, ऐसा आ गया बच्चों। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, इसके बराबर। एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये माइनस ये कर दें, मतलब 3 माइनस cos 4 थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा अपॉन क्या हो गया बच्चों, 2। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर दें, या फिर ऐसे आप सोच सकते हैं कि ए बी का वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो गया, 4ab इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, 4ab। तो यहाँ से भी आप तुरंत क्या कर सकते हैं, थीटा का फंक्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों a इंटू बी अगर किया जाए तो वो क्या आ गया, 1/4 टाइम्स आपका, ये क्या आएगा बच्चों, ये हमारा 3 माइनस cos 4 थीटा प्लस 4 sin 2 थीटा, ऐसा इनटू हमारा 3 माइनस cos 4 थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, ऐसा बनकर आ गया बच्चों। तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, तो 1/4 टाइम्स बच्चों 3 माइनस cos 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या हो गया बच्चों, ये इसका होल स्क्वायर, मतलब 16 sin² 2 थीटा, ऐसा बन गया। तो ये क्या बना बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/4, ये आएगा आपका 9 माइनस 6 cos 4 थीटा, ऐसा। और क्या आएगा, प्लस cos 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 16 sin² 2 थीटा, ऐसा आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं बच्चों, आप ऐसा सोच सकते हैं कि cos स्क्वायर 4 थीटा को किसके टर्म्स में कन्वर्ट करें, इसको आप सिंप्लीफाई आपको करना होगा। वो कैसे करेंगे बच्चों, इसको आप किसके टर्म्स में लिख सकते हैं, sin 2 थीटा के टर्म्स में बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कैसे लिखेंगे कि आप ऐसे सोचें कि हमारा इन सारे टर्म्स को, यहाँ पर 4 थीटा, ये 4, इसको भी बच्चों 4 थीटा में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब बच्चों 2 टाइम्स sin² 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos 4 थीटा, इसके बराबर होता है। इस चीज़ को आप क्या करें, यहाँ पर यूज कर लें, तो फिर क्या बनेगा बच्चों, ये ऐसा बन जाएगा 1/4 9 माइनस 6 cos 4 थीटा, ये ऐसा ही रखें cos² 4 थीटा, ये क्या बन गया माइनस 8 टाइम्स बच्चों, माइनस 8 प्लस 8 cos 4 थीटा, ऐसा बना होगा। ऐसा अगर बन गया तो फिर ये क्या आया, 1/4, ये बच्चों 1 आया, प्लस 2 cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का बच्चों ये स्क्वायर ऐसा। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मींस AB इज इक्वल टू आ गया 1/4 टाइम्स 1 प्लस cos 4 थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका बच्चों क्या करना था आपको, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2, उसका स्क्वायर करें 4, मतलब ये, तो AB का बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 1 के बराबर। यही आपका क्या होगा, जरूर बच्चों इसका आपका आंसर रहा होगा, ऐसे आप इसको सोच सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, इक्वेशन है आपको एक सिंपल सी,
वो आपको पहचानना है कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर देखें 14th नंबर क्वेश्चन में, 14th में दिया गया है 2 की पावर cos 2x इज इक्वल टू 3 टाइम्स बच्चों 2 की पावर cos स्क्वेयर x माइनस 4। और आपको बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस इंटरवल में निकालना है, 0 to 5π, इसमें निकालना है। तो ये बच्चों आप आसानी से कर पाएंगे, कैसे कि इस को क्या लिख सकते हैं आप बच्चों, 2 टाइम्स हमारा 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 की पावर cos स्क्वेयर x माइनस 4। अब बच्चों आप क्या कर दें, पुट 2 की पावर cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू बच्चों t। अगर ऐसा किया जाए तो ये क्या बन गया बच्चों, t स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू 3t माइनस 4, मीन्स आ गया आपका t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस हमारा 8 इज इक्वल टू 0। ऐसा निकल कर आ गया मीन्स t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 4। तो बच्चों t इज इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि 2 की पावर cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब हुआ 2 की पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 4। ये बच्चों हो नहीं सकता है, cos स्क्वायर x लाइज बिटवीन 0 to 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, यही पॉसिबल है, दैट मीन्स हमारा cos स्क्वायर x शुड बी 1। ये 1 बच्चों कब कब होता है, 0 पे पाई पे 2 पाई पे, ये कब कब होगा बच्चों, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। तो 0 से 5 पाई बच्चों यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गए बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बच्चों ये भी क्या था आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टीन में क्या है बच्चों, आपको ये निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ हमारा इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। लाइंस बच्चों क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9 एंड दूसरा है y इज इक्वल टू mx प्लस 1। इनके जो बच्चों इंटरसेक्शन होने चाहिए 1 और 2 के, उसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों दोनों क्या होने चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए। एंड बच्चों आपका m भी क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर ही दिया गया है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड ऑल्सो बी हमारा इंटीजर, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए बच्चों उनको x1 y1 मान लें तो वो भी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो आप इसको क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 4y इज इक्वल टू 4mx प्लस 4। तो बच्चों यहां से ये माइनस ये करें, तो ये माइनस ये करने पर क्या आएगा, ये माइनस ये करने पर आएगा बच्चों 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 4mx माइनस 4। ऐसा मीन्स बच्चों ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू हमारा 5 अपॉन 3 प्लस 4m। तो बच्चों अब ये अगर x निकल कर आ गया तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू m इन टू 5 अपॉन हमारा 3 प्लस 4m प्लस 1। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर है, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड बी इंटीजर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो बच्चों ये इंटीजर कब होगा, m भी आपका इंटीजर दिया ही गया था, मीन्स 3 प्लस 4m इज इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 3 प्लस 4m इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ऐसा हो सकता है। ऐसा अगर होगा बच्चों तो यहाँ से आप अगर क्या करें कि m की वैल्यूज निकालें, तो प्लस अगर लें, अगर प्लस लें तो फिर क्या होगा कि बच्चों प्लस साइन के लिए ये हमारा माइनस 2, मतलब m इज नॉट इंटीजर, और अगर माइनस लिया जाए तो बच्चों m इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसा आया।
यहाँ से देखें बच्चों, ये माइनस फोर मीन्स ऐसा आ गया, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ से आई, यहाँ से बच्चों अगर बात करें प्लस लें तो प्लस अगर लेंगे बच्चों तो m इज़ नॉट इक्वल टू हमारा इंटीजर। क्यों? क्योंकि बच्चों ये फाइव है, ये फाइव है तो इधर ये हमारा टू आ गया, तो मतलब वन बाई टू आएगा, तो ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं। m इज माइनस लें बच्चों तो माइनस एट मतलब माइनस टू। एम का वैल्यू बच्चों दो पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आ रहा है जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट आपका इंटीजर आया है। अब बात करते हैं बच्चों इन वैल्यूज के लिए, ये तो y इज इक्वल टू बच्चों माइनस वन रखें तो ये आया माइनस फाइव अपॉन, ये हमारा आया थ्री माइनस फोर प्लस वन, मतलब क्या है बच्चों, ये आ गया आपका सिक्स, मतलब इंटीजर एक्सेप्टेबल है बच्चों, ठीक है। अब अगर बात करें y इज इक्वल टू, इसके लिए m इज इक्वल टू माइनस टू के लिए, तो माइनस टू रखें बच्चों तो माइनस टेन अपॉन माइनस टू रख दिया गया इधर, तो कितना हुआ बच्चों माइनस एट, और ये रख दिया गया तो माइनस एट, और ये माइनस फाइव, मतलब ये भी बच्चों क्या आया, ये भी आ गया आपका थ्री के बराबर। दैट मीन्स हमारा एम की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, नंबर ऑफ वैल्यूज ही आपको पूछा गया था। तो बच्चों वो क्या क्या है, एम इज इक्वल टू माइनस वन एंड एम इज इक्वल टू माइनस टू, दैट मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी टू, ऐसा आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए निकालना है फॉर विच ओरिजन एंड 1,1, ये बच्चों ओरिजन एंड 1,1 पॉइंट बच्चों ये हमारे ए बी पॉइंट मान लिए जाएं तो लाइन के एक ही साइड में है। अब ये लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चों, वो है आपका बी स्क्वेयर प्लस ए बी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस टू बी प्लस फोर टाइम्स बच्चों वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको क्या करना था बच्चों, ए का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू तो बच्चों ऐसे आप सोच सकते हैं कि ओरिजिन को अगर रखें तो जो इसका साइन आना चाहिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन का, वो हमारा क्या आएगा, ओरिजिन रखने पर थ्री आएगा। तो बच्चों 1,1 रखने पर भी ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, थ्री पॉजिटिव था, इसलिए आप बोल सकते हैं बच्चों 1,1 इसमें रख दें तो बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए प्लस हमारा टू बी प्लस फोर प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि ओरिजिन रखने पर बच्चों ये थ्री आ रहा था, इसलिए इसका भी साइन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा अगर इस लाइन में रख दिया जाए। अब इसमें अगर रख दिया गया है दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल रियल एक्स बोला गया है, तो बच्चों बी स्क्वायर में जो क्वाड्रेटिक है तो वो क्या बन गई बच्चों, ए प्लस टू प्लस ए प्लस सेवन ग्रेटर देन जीरो, ऐसा होना चाहिए। ये बच्चों वैलिड किसके लिए है, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, दैट मीन्स हमारा डी क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन जीरो। तो डी आपका क्या आया, ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए प्लस सेवन लेस देन जीरो, तो ये क्या बनकर आ गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर ए माइनस फोर ए माइनस 28 लेस देन जीरो, ये कट गया, मीन्स ए स्क्वायर लेस देन बच्चों 24 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कहाँ से कहाँ के बीच में होगा बच्चों, ए होगा माइनस रूट 24 से प्लस रूट 24 के बीच में, ए को बच्चों यहाँ से यहाँ के बीच में ही होना पड़ेगा। अगर वो पॉइंट बच्चों 0,0 एंड 1,1 एक ही साइड में है बच्चों तो ये ऐसा होगा। अब इंटीग्रल वैल्यू पूछा गया था, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ क्या पूछा गया था बच्चों, ए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बच्चों 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि 5 हो नहीं सकता है, रूट 24 इज 4 पॉइंट समथिंग। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 17, तो 17 में क्या है उसको अगर आप देखें, 17 में बच्चों डिटर्मिनेंट का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हमारा एफ थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा एंड बच्चों -1 -tan थीटा एंड बच्चों 1। तो इसका बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को बच्चों अगर आप सिंपलीफाई करें तो क्या निकल कर आता है, 2 sec
टू सेक स्क्वायर थीटा ऐसा निकल कर आता है बच्चों। तो टू सेक स्क्वायर थीटा अगर ये फंक्शन ही निकल कर आ रहा है तो बच्चों इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा गया है तो वो टू के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या करना है बच्चों, एक डिटर्मिनेंट दिया गया उसका लीस्ट वैल्यू निकालना है, तो उसको आप कैसे सोचेंगे।